निदेशालय ने कथित पॉर्न रैकेट मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुंद्रा के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्में शेयर करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को पिछले साल सितंबर में जमानत मिल गई थी। ईडी के जांच के मुताबिक फरवरी 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉट शॉट्स नाम के एक ऐप को डेवलप किया। इस हॉट शॉट्स ऐप को राज कुंद्रा ने ब्रिटेन की कैनरिंग नाम की कंपनी को $50,000 में बेच दिया था। इस कंपनी के CEO प्रदीप बख्शी असल में राज कुंद्रा के जीजा है, लेकिन इस हॉट शॉट्स ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरिंग कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी विहान ने टाई अप किया था। लिहाजा इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन विहान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में होते थे। हॉट शॉट्स ऐप असल में पॉर्न मूवी का एक प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए भारत में पॉर्न मूवी को बनाकर इसे हॉट शॉट्स ऐप पर अपलोड किया जाता था। इसके बाद इसे देखने में सब्सक्रिप्शंस बेचे जाते थे। सब्सक्राइबर के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजेक्शन राज कुंद्रा की कंपनी विहान में किए जाते थे। इस तरह पॉर्न फिल्मों से कमाई का पैसा UK से घूमते हुए मेंटेनेंस के नाम पर राज कुंद्रा की कंपनी के अकाउंट में आता था। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।